नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सनी देओल सर की, जो फिल्में आने वाली है, बहुत सारी फिल्में आने वाली है उनके बारे में। सबके बारे में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन विशेषकर दो फिल्मों के बारे में बात करेंगे, एक बाप और दूसरी सफर। इन दोनों फिल्मों की शूटिंग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। बाप फिल्म के बारे में आपको बता दूँ कि इसकी शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। विवेक चौहान डायरेक्ट कर रहे हैं, अहमद खान फिल्म बना रहे हैं जी स्टूडियो के साथ मिलकर के। मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और सनी देओल चार बड़े स्टार हैं और बहुत ही जबरदस्त एक्शन मूवी होने वाली है। शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ गानों की शूटिंग बाकी थी वो भी शायद अब तक कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इस फिल्म को कभी भी अब रिलीज किया जा सकता है। मेकर्स इसको बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गदर 2 के बाद में सनी देओल सर की हाइप और उनका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुछ एक्शन सिक्वेंसेज को दोबारा शूट करने की भी मतलब एक खबरें आई है। पहले इसका एक वीडियो टीजर जारी हुआ था, एक ऐसे लीक हो गया था, वैसे जारी ऑफिशियली जारी नहीं हुआ था। उसमें जबरदस्त एक्शन करते हुए ये नजर आ रहे थे सभी चारों कलाकार। तो जबरदस्त लुक है इनका। सनी देओल सर एक पॉप के किरदार में है और मिथुन चक्रवर्ती वगैरह है, ये संजय दत्त है, ये गैंगस्टर के रोल में है। तो काफी जबरदस्त फिल्म होने वाली है, सभी इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नाम भी बाप है, बाप ऑफ ऑल फिल्म, सभी फिल्मों का बाप साबित हो सकती है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर। तो कब करते हैं इसको रिलीज? अभी जो मैंने कुछ जगह खबरें पढ़ी उसके अनुसार मार्च में कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है इसका, नए पोस्टर्स वगैरह या टीजर रिलीज डेट या रिलीज डेट का अनाउंसमेंट मार्च में हमें सुनने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले वो सफर रिलीज करेंगे क्या, ये भी एक सोचने की बात है, क्योंकि सफर फिल्म भी कम्प्लीट हो चुकी है जिसको शशांक उदयपुर ने डायरेक्ट किया है। मराठी फिल्म प्रवास का रीमेक है, सनी देओल सर इसमें प्रमुख भूमिका में है और सलमान खान का भी कैमियो है। तो काफ़ी जबरदस्त फिल्म होने वाली, इमोशनल मूवी है, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग यहाँ पे सनी देओल सर की आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये भी लगभग कंप्लीट है। तो इन दोनों फिल्मों में से किसी एक फिल्म को वो पहले रिलीज करेंगे, अब किसको करते हैं ये वही डिपेंड उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रशंसक तो ये चाहेंगे कि पहले बाप फिल्म को रिलीज कर दे, क्योंकि बहुत जबरदस्त एक्शन मूवी होने वाली है और आजकल एक्शन फिल्मों का जमाना है। इसके बाद में लाहौर 1947 की शूटिंग वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं 10 तारीख से, और उसके बाद में रामायण फिल्म में भगवान श्री हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे और भी बहुत सारी फिल्में उनकी लाइनअप है। अब्बास मस्तान के साथ एक फिल्म करने वाले हैं, पुष्पा मेकर्स के साथ फिल्म करने वाले हैं और गदर 2 है, सॉरी गदर 3 है वो भी शुरू होने वाली है अगले वर्ष, बॉर्डर 2 इसी वर्ष शुरू होने वाली है। तो बहुत सारी फिल्में उनके पास, जन्मभूमि है, सूर्या है तमिल मूवी का रीमेक वो भी लगभग कम्प्लीट है। तो लगातार फिल्में करते रहेंगे वो और हम लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे, लेकिन जल्दी से अब बाप रिलीज कर दे तो मजा आ जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय बोल रहे।